चलो, इलेक्ट्रिकल सर्किट है ये, किरचॉफ सेकंड लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखो कि यहाँ पे कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, एक सर्किट है यहाँ से, और कौन सा इक्वेशन इस सर्किट के लिए होल्ड होता है। तो अब मैं कैसे करूँगा इस क्वेश्चन को, लॉजिक क्या है करने का। लॉजिक ये है कि देखो, इक्वेशन लिखना, तो हम सबको पता है कि अगर ये प्लस है, ये माइनस है, बैटरी है, और अगर मैं ये प्लस और लोअर टर्मिनल है EMF, मैं इधर से इधर जाता हूँ, मैं इधर से इधर मूव करता हूँ, तो EMF निगेटिव लेता हूँ, और अगर मैं उधर से आता हूँ तो EMF पॉजिटिव लेता हूँ। ये सबको पता है साइन कन्वेंशन। और अगर रेजिस्टेंस में देखोगे, ये रेजिस्टेंस R है, तो अगर करंट इधर, मान लो करंट इधर से फ्लो हो रही है, तो अगर करंट की डायरेक्शन में जाते हो तो इसका जो निगेटिव वोल्टेज लिखोगे, पोटेंशियल ड्रॉप, और अगर उधर से आते हो तो ये प्लस IR लिखोगे। ये हमारा साइन कन्वेंशन है। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि जब मैं इधर से इधर जा रहा हूँ वायर पे, इस वायर पे आपको चलना है, वी नीड टू मूव ऑन दिस वायर। इस वायर पे आप चलोगे तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की साइड जा रहे हो, तो माइनस लोगे। उधर से आओगे तो लोअर से हायर आ रहे हो, लोअर टू हायर, दैट्स वाई वी टेक पॉजिटिव वैल्यू। एंड अगेन यहाँ से इधर जाओगे, ठीक है, तो मूविंग फ्रॉम करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो वी आर मूविंग फ्रॉम टू लोअर पोटेंशियल, दैट्स वाई वी टेक माइनस IR पोटेंशियल डिफरेंस। एंड अगर उधर से आते हो तो हम लोग बेसिकली प्लस IR लेंगे, तो वो हमारी ये, तो ये साइन कन्वेंशन यहाँ पे अप्लाई करते हैं। चलो, तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन चेक करो कि E2 प्लस E2 लिया गया है, तो ये प्लस E2 है, तो अगर मैं यहाँ से चलता हूँ और प्लस E2 लेता हूँ, तो चलो ले लिए प्लस E2, फिर ये मिला माइनस, इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा हो जाएगा I2 और R2 प्लस I2 ये वाला चीज, ठीक है। चलो, ये भी यहाँ तक सही है। अब यहाँ से E1 माइनस E1, तो अगर यहाँ से इधर, यहाँ से अब इसमें चले गए तो यह आ जाएगा माइनस E1, यहाँ तक सही है। अब ये जो है, अब उधर से ये, उधर से करंट आ रही है यार, I1 आ रही है, तो ये माइनस नहीं होगा, दिस इज नॉट माइनस, ये माइनस नहीं होगा, यहाँ पर होगा प्लस I1 R1, ठीक है, क्योंकि उधर से करंट आ रही है, देख रहे हो I1 आ रही है, तो I1 आ रही है, दैट्स वाई वी टेक प्लस लेंगे, तो ये ऑप्शन गलत है, क्लियर है। चलो, तो नेक्स्ट इसका ऑप्शन अगर देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट, तो फर्स्ट ऑप्शन हम लोग का गलत आ गया। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, माइनस E2, तो माइनस E2 मतलब अगर मैं इधर से इधर जाता हूँ, मान लो यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया पॉइंट ए से, तो ये माइनस E2 चलो ले लो, चलो माइनस, फिर माइनस I1 R1, मतलब I1 R1 यहाँ से I2, इधर से I2, तो इसमें I1 प्लस I2 आ गया, बराबर है। तो अगर यहाँ से इधर जाते हैं तो ये इधर इधर जाओगे, तो उधर से करंट आ रही थी, क्योंकि इस जंक्शन पे इधर से I1 आई, इधर से I2 आई, तो इस जंक्शन से यहाँ से जाएगी, इधर से I1 प्लस I2 जाएगी, और यहाँ पे मैं लूँगा, अगर मैं यहाँ से चला हूँ ऐसे 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 जा रहा हूँ, तो मैं प्लस I1 प्लस I2 और मल्टीप्लाइड बाई R लूँगा, जबकि यहाँ माइनस लिया गया है, दैट इज आई टेक द माइनस, मतलब रॉन्ग है, यहाँ माइनस नहीं आएगा, विल टेक द प्लस, दैट्स वाई दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग, प्लस E1। चलो, अब दूसरा, तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं, ठीक है, ये भी हम लोगों का गलत हो गया, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है, ये यहाँ पर मिस्टेक है, ये यहाँ पर मिस्टेक है। और ऑप्शन सी चेक करते हैं, प्लस E1, प्लस E1 देखो, ये प्लस E1 यहाँ से, प्लस E1 अगर मैं इधर से इधर आता हूँ, इधर से इधर चलूंगा, तो प्लस E1 ले लिए। अब I1 माइनस I, ये माइनस लिया गया है, मतलब मैं इधर से इधर गया हूँ, तो माइनस इसमें जो है वो I1 प्लस I2 है, और अगर इसमें माइनस I1 R लिए हो तो यहाँ तक तो सही है, प्लस I1 R1। अब R1 ये यहाँ से इधर आओगे, तो ये वाली जो चीज़ है, अब यहाँ से यहाँ आओगे, ठीक है भाई, जहाँ से चले थे वहाँ आना जरूरी है, यहाँ से चले थे तो यहीं घूम के अगर ऐसे आए हुए, तो ये वाली जो वैल्यू है वो माइनस माइनस I1 R1 होगी, न कि प्लस होगी, तो यहाँ पर मिस्टेक है, ये हो जाएगा माइनस I1 R1, मतलब ये ऑप्शन भी गलत है,
मतलब ए ऑप्शन ही सही होगा, क्लियर है। चलो एक बार फिर से लास्ट वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, प्लस ई वन, प्लस ई वन मतलब यहाँ से आ जाएंगे तो प्लस ई वन चलो सही है, और माइनस आई वन आर वन ये भी सही है, और माइनस आई जो यही वाला जो है माइनस होना चाहिए वो यहाँ लिख दिया माइनस, दैट्स व्हाई दिस इज द करेक्ट। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, एक लूप में एक इक्वेशन बनेगा, जहाँ से चले थे वहाँ आना जरूरी है, सारे वोल्टेज लिखते चले जाएंगे, समीशन ऑफ वोल्टेज मस्ट बी इक्वल टू जीरो इन ए लूप, एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड।